हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ हेल्दी और टेस्टी गुड़ चना के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम भगवान के भोग के रूप में भी बना सकते हैं और इसे खाने से खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गुड़ चना के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी गुड़ लिया है, जिसे कि मैंने क्रश करके लिया है, जिससे कि लड्डू बनाते टाइम ये इजीली मेल्ट हो जाए। अब जिस कटोरी से नापकर हमने गुड़ लिया है, उसी कटोरी से नापकर एक कटोरी भुने हुए चने लेंगे। ये छिलके वाले चने हैं जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। अक्सर जो हम भगवान के प्रसाद के लिए यूज़ करते हैं वही चने हैं। भुने चने की जगह आप इस तरह का रोस्टेड दालिया जो मिलता है उसे भी ले सकते हैं। अब लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम चने के छिलके हटा लेंगे। तो छिलके हटाने के लिए इन चनों को हम एक प्लेट में डालेंगे और छिलके हटाने से चने की क्वांटिटी एक कटोरी से थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए हम थोड़े से चने और ऐड कर लेंगे, जिससे कि वो छिलके हटाने के बाद भी एक कटोरी बचा रहे। चने को हाथों से हल्का सा मसल लेंगे तो इस तरह इसके छिलके आसानी से हट जाते हैं। और इस तरह जो भी कड़क वाले चने होंगे उसे हम छाट कर अलग कर देंगे। सारे छिलके हटाने के बाद एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं कोई छिलका ना रह जाए। हम यहाँ पर पूरे अक्खे चने के लड्डू बना रहे हैं। आप चाहे तो इसे पीस कर भी इसके लड्डू बना सकते हैं और चाहे तो पिस्टन की हेल्प से इसकी दाली बनाकर उसके भी लड्डू बना सकते हैं। इसे हम साइड में रख देंगे और चाशनी बनाने के लिए पैन को गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे। उसमें डालेंगे हम हमारा एक कटोरी क्रश किया हुआ गुड़। क्रश करके डालने से गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाता है और नीचे जलता भी नहीं है। और साथ ही इसमें हम एक बड़ा चम्मच भर के पानी डालेंगे, जिससे कि गुड़ आसानी से मेल्ट हो जाए और जले भी ना। और साथ ही इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी। अब गैस की लो फ्लेम पर गुड़ को लगातार चलाते हुए इसे मेल्ट करेंगे। गुड़ पूरी तरह मेल्ट हो गया है और उसमें कुछ बबल्स आने लगे हैं। तो चाशनी को चेक करने के लिए हम एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें चाशनी की कुछ बूंदें डालेंगे। अब इकट्ठा करके इसे खींच कर देखेंगे। अभी खींच रहा है मतलब कि अभी चाशनी तैयार नहीं है। गुड़ को इतना पकाएंगे कि जब उसे हम पानी में डालें तो वो टॉफ़ी की तरह टूटने लगे। तो इसके लिए हम बार बार चाशनी को पानी में डालेंगे और उसे उठाकर बार बार चेक करेंगे, जब तक कि गुड़ परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। अभी भी गुड़ खींच रहा है तो इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे। चाशनी का कलर चेंज हो गया है, मतलब कि ये तैयार होने वाली कंडीशन में आ गई है। तो इसे हम फिर से पानी में डालकर चेक करेंगे और देखिए, चेक करने पर गुड़ क्रिस्टल जैसा हो गया है और आसानी से टूट रहा है, मतलब कि चाशनी तैयार है परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए। अब लड्डू को हल्के और क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 पिंच बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए चाशनी हल्की सी फूलने लगी है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर और साथ ही इसमें भुने हुए चने डालकर इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और कढ़ाई को गैस पर से उतार लेंगे। इसे मिक्स करने का काम हमें फटाफट करना होता है, क्योंकि एक बार जब चाशनी बन जाती है तो उसे सेट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मिश्रण को ग्रीस की हुई प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे या इसी में से इसके फटाफट से लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे। चम्मच को घी से ग्रीस कर लेंगे और मिश्रण को हाथ में लेते जाएंगे। पहले इस तरह लड्डू के शेप में गोला बनाकर रखते जाएंगे और फिर बाद में घी लगाकर उसकी सरफेस को चिकना कर लेंगे। लड्डू बनाते टाइम मिश्रण को ठंडा नहीं होने देना है, हल्के गर्म में ही लड्डू बनाना है ताकि लड्डू का शेप अच्छे से मिल जाए। हाथ में घी लगाते जाएंगे और फटाफट से लड्डू बनाते जाएंगे। इस तरह सारे लड्डू बना के रख लेने के बाद घी को हाथ में लेंगे और इस तरह दबा दबा कर उसे गोल कर लेंगे। इस तरह से लड्डू बनाने से लड्डू एकदम क्रिस्पी बनते हैं।
लड्डू बनाने से पहले हम चेक कर लेंगे कि चने नरम तो नहीं है। यदि नरम होंगे तो उन्हें हम थोड़ी देर ओवन में रखकर गरम कर लेंगे, जिससे कि वो क्रिस्पी हो जाएं। और इस तरह ये एकदम परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार है। जब ये लड्डू हम एक बार बनाकर रख लेते हैं तो ये एक महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। मात्र एक कटोरी चने से 10 से 12 लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। इन लड्डुओं को आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं। जिन लोगों को खून की कमी होती है, यदि वे ये लड्डू बनाकर 15 दिन तक उसे लगातार खा लेते हैं तो खून की कमी दूर हो जाती है। यदि आपको लड्डू बनाने में दिक्कत होती है तो आप इसे प्लेट में इसकी चिक्की भी जमा सकते हैं। तो उसके लिए प्लेटों को घी लगाकर उसे ग्रीस कर लेंगे और मिश्रण को थोड़ा थोड़ा उसमें डालते जाएंगे। और उसे सेट करने से पहले चम्मच में और हाथों में थोड़ा सा घी लगाते जाएंगे और उसे दबा दबा कर उसमें सेट कर देंगे। और मात्र 1 से 2 मिनट में मिश्रण प्लेटों को इजीली छोड़ देता है और बिना मेहनत के बगैर हाथ जलाए चिक्की इजीली सेट हो जाती है। सारे लड्डू बनकर तैयार हैं, तो आइए इसका हम भोग लगा लेते हैं। देखिए, लग रहे हैं ना एकदम परफेक्ट लड्डू। और इन केस यदि आपसे लड्डू और चिक्की दोनों ही नहीं बनते हैं तो आप मिश्रण को थोड़ी देर लास्ट में कढ़ाई में हिलाते रहेंगे तो गुड़ में चिपक कर चने अलग हो जाएंगे। तो फिर उन गुड़ वाले चनों को आप या चाहे तो भोग लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। एकदम परफेक्ट बनते हैं, नो फेल रेसिपी है, तो इसे आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में उसे शेयर ज़रूर से कीजिए। और इस तरह की और रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।